क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए बीएचयू एग्जामिनेशन में हम क्या प्लान दे सकते हैं एक छात्रों को? एग्जैक्टली क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितना ज़्यादा हो सके हमें सॉल्व करना चाहिए। एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को हमें सॉल्व करना चाहिए। और जैसा कि हम बात कर रहे थे एंशियंट इंडियन सोर्सेज की, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो मेनली हैं रिलीजियस टेक्स्ट, हिस्टोरिकल टेक्स्ट और विदेशियों का विवरण और आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स। देयर फोर मेन बीएचयू के जो क्वेश्चन आते हैं भैया उसमें एक क्वेश्चन में चार ऑप्शन होते हैं, तीन नंबर का होता है, माइनस मार्किंग भी होता है। लोगों को कैसे ये सटीक पता चले, जैसे किसी मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आ रहा, उसके चार ऑप्शन है, मैं कैसे एलिमिनेट करूं? और इसके लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो भी टॉपिक आप मिले। अब समय आपके पास बहुत कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए या फिर मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे। जैसे हमारे चैनल ने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ डाले हैं जो सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स के हैं, जैसे हिंदी के कुछ वीडियोज़ हैं लास्ट 10 ईयर आपको जो वेबसाइट पर नहीं मिलेगा बीएचयू को, वो हमारा नॉलेज स्कूप आपको प्रोवाइड करवा रहा है। लास्ट 10 ईयर के इंग्लिश के पेपर, हिंदी के पेपर, हिंदी के क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं। मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया वो तो एग्जामिनेशन हॉल में मैं बैठा हूँ मुझे नहीं आ रहा है, तो उस पर क्वेश्चन था। अब मैं अगर प्रिपरेशन कर रहा हूँ किसी सब्जेक्ट के लिए और मुझे एक ऑप्शन सही है और तीन ऑप्शन गलत है, तो उन तीनों को छोड़ करके उस पर हम क्या फील्डिंग कर सकते हैं आने वाले कल के एग्जाम के लिए? एग्जैक्टली उस पर हमें ये मैक्सिमम ध्यान देना है कि जो भी आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, आप सिर्फ ऐसा नहीं एक क्वेश्चन मिला ऑप्शन मिला सही है ठीक है निकल लिया वहाँ से, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें हर एक ऑप्शन को देखना है कि ऑप्शन कहाँ है, क्यों है, किस लिए है, क्या किया है इन्होंने, मतलब उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करना। R&D अभी बहुत फेमस हुआ है इंडिया में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे किसी भी टॉपिक पे उतना आप कैपेबल हो जाएंगे कोई भी क्वेश्चन क्वालिफाई करने। अच्छा मटेरियल निकल करके सामने आता है, ज्ञान का दरिया बढ़ता है और आप थिंकिंग पैटर्न आपका सोचने का बहुत ही ब्रॉड हो जाता है। यू कैन थिंक इवन ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन इन योर क्वेश्चन बुक, राइट? सो दिस इज द पैटर्न एक्चुअली। और मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका क्वेश्चन को समझने का या सॉल्व करने का ये होता है कि आप एटलीस्ट कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे चैनल ने डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लास्ट 10 ईयर के 180 क्वेश्चंस को पूरा एक सीरीज चलाई है, ठीक है, लास्ट 10 ईयर का। उसके साथ ही हम लोगों ने सब्जेक्ट का भी सीरीज चलाया है, तो इसी तरीके और पेपर से लगभग सारे सब्जेक्ट के अपलोड किए UGPG। और ऐसे ही हम लोग देखो यहाँ पे ये VT है हमारा कैंपस है, कैंपस है, ये BHU कैंपस है। ऐसे ही बहुत सारे खूबसूरत वीडियोस, मतलब अगर आप वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं BHU आर्ट्स फैकल्टी के, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को आप समझ सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे जो भी आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उसके बारे में समझ सकते हैं। और हम लोग अपनी हर मुमकिन कोशिश जितना हम कर सकते हैं उस कोशिश को करने का प्रयत्न करते रहेंगे अपने चैनल के इस माध्यम से। और जहाँ तक हम बात कर रहे थे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की, तो वापस आते हैं उस टॉपिक पे, उसके बाद आप लोग आगे बहुत सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स और एक वीडियो अभी जस्ट हम लोगों ने अपलोड किया जो किस पे था, पे आप इन्हें बताने की कोशिश करें जो इसके पहले हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया शूट किया इंग्लिश, वो बेसिकली हिंदी क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस। और अभी खड़े खड़े जो अभी टॉपिक मैंने मगध एम्पायर इस पे बात की हम लोगों ने, एग्जैक्टली अभी हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एग्जैक्टली और इसी तरीके से वीडियोज और भी हम लोग बनाते रहेंगे, हम लोगों को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।